ओवरऑल कैसी रही आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास? सीखने को मिला कि नहीं मिला? किसको किसको सीखने को मिला? कुछ नया मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ पे आप देखिए जो आपके हाथों में है क्या है वो बताइए। कितना इम्पोर्टेंट है ये? अगर केवल आप ओवरऑल केवल आप ये नोट्स भी देख लोगे तो आपका सॉफ्टवेयर का रिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसी रही ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्लास? तो जैसा कि बोला जाता है इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Yes, sir, ये है कि नहीं है? थैंक यू सो मच। अक्टूबर का बैच। तो यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है? बिल्कुल आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए? अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कोई फ्रेशर स्टूडेंट देख रहा है कि सॉफ्टवेयर सीखने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आप सीख पाए यहाँ पे? चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम कहाँ से है? विशाल, नेपाल से है। तो आप विशाल जी ये बताइए, आप पहले फ्रेशर से थे या काम करते थे? मैं दो शब्द इसलिए पूछ रहा हूँ फ्रेशर और या फिर पहले से काम करते हैं, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे थे उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका हम पूछेंगे कि कैसा रहा सफर। तो आप फ्रेशर थे, कैसा रहा ये चार दिन का सफर आपको? समझ में आया सारी चीजें? अभी आपको किसी चीज की अनलॉकिंग मिरर टेक क्वांटम की अनलॉकिंग दे दी जाए, कर लेंगे आप, फ्लैशिंग कर लेंगे अभी आप, फाइलों की डिटेलिंग ये सारी कुछ पता चलेगी आपको? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? खंडवा एमपी। तो आप बताइए पहले से आप काम करते थे या नहीं करते थे सॉफ्टवेयर? नहीं करते थे। अभी कैसा लग रहा है? अगर आपको कोई भी एक फोन दे दिया जाए तो उसकी अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कर लेंगे? कर लेंगे। फाइलों की डिटेलिंग, नोट्स नोट्स बनाए आपने यहाँ? तो अगर आपको कोई फ्रेशर स्टूडेंट देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे? हो सकता है कि आए? आ सकते हैं। आपने सीखा कि नहीं सीखा? सीखा आपने, दिल से बोल रहे हैं आप? चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? युगल, झारखंड से। युगल आप हमें ये बताइए, पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं, कुछ नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते थे? मोबाइल की दुनिया से अलग थे। बिल्कुल मोबाइल की दुनिया से अलग थे। अगर आपको हम बात करें किसी फाइलों की, अगर हम बात कर ले तो उसकी डिटेलिंग आप बता दोगे? हाँ, अगर अनलॉकिंग की बात करें या फ्लैशिंग की बात करें उसमें आप कर लोगे? अनलॉकिंग फ्लैशिंग। तो जो आपने सोचा, क्योंकि आज आपका सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? आप सॉफ्टवेयर सीख पाए या नहीं सीख पाए? सीख गया सर। सीख गए, मतलब आप प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है अभी आप? प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना हो तो बहुत हार्ड वर्क था या इजी वे में सिखाया? आपने तो बहुत सॉफ्ट तरीके से सॉफ्टवेयर को बता दिया। सॉफ्ट तरीके से आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? चावड़ा। आप हमें ये बताइए कि आप पहले काम करते थे इस फील्ड में? बिल्कुल आप फ्रेशर थे। तो आप हमें ये बताइए कि फ्रेशर बंदा यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीख सकता है? नहीं। बस मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद मैं सिखा सकता हूँ कि नहीं सिखा सकता? चलिए ठीक है, अभी मैं जो एक्सपीरियंस है उनसे भी पूछूंगा कि हार्ड वर्क नहीं हुआ तो बेसिकली आपने यहाँ पे जो सोचा था, उधर देखिए, जो आपने सोचा था क्या आपको वो मिला कि नहीं मिला? अभी आपको प्रैक्टिकल तौर से मेहनत करना है क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर है। आपको सारे डाटा सीट नोट सब बनाए गए यहाँ पे, अभी आपको अनलॉकिंग बेसिकली कर दी जाए। अच्छा आप बताओ, फ्रेशर हो क्या, एक सेकंड में एफआरपी पॉसिबल है? पॉसिबल है? जो हमारे देखिए उधर देखिए जो बोलते हैं कमेंट करते हैं कि एक सेकंड में पॉसिबल नहीं है, आप बताइए क्या झूठ है? क्या आप कोई फेक बोल रहे हैं क्या? पॉसिबल मतलब लाइव देखा आपने? लाइव देखा है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? अख्तर। अख्तर हमें आप ये बताइए, पहले से आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? तो आप देख सकते हैं लगभग सारे स्टूडेंट फ्रेशर ही हैं। जो कुछ एक्सपीरियंस आएंगे उनसे भी उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके सामने। तो बताइए अभी आप फ्रेशर हैं? नहीं सर, अभी फ्रेशर नहीं है। आज आपने खुद, अच्छा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर कराया जाता है क्या मैं माउस पकड़ता हूँ या स्टूडेंट पकड़ते हैं? स्टूडेंट ही पकड़ते हैं ना? फ्रेशर बिल्कुल फ्रेशर बंदा होता है उससे पकड़ा जाता है एक्सपीरियंस होल्डर को? फ्रेशर स्टूडेंट को ना। तो कैसा लग रहा होगा अख्तर? बहुत अच्छा का मीन्स क्या बोल सकते हैं जो आपको देख रहा है यहाँ पे? इसे टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के लिए क्यों ज्वाइन किया? अगर सॉफ्टवेयर सीखना है तो आपने फ्रेशर थे तो आप सीखे कि नहीं सीखे? जी सर। चलिए थैंक यू सो मच।
हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम और आप कहाँ से? राहुल एमपी। राहुल एमपी, तो आप भी, आपसे वही सवाल कि आप पहले काम करते थे या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते थे। अगर आपको अभी किसी फोन का दे दिया जाए, आप छोटा सा सवाल बस इतना बताइए कि लावा माइक्रोमेस से आप बेस पे काम करेंगे कि किस बेस पे काम करेंगे? सर मैं सीपीयू। वेरी गुड, देखिए फ्रेशर है तो क्या बताया मैंने जवाब दिया? तो क्या आप माइक्रोमेस और लावा और ओप्पो वीवो होगा क्या? अब किस बेस पे होगा काम हमारा? सीपीयू और फाइल, सीपीयू और फाइल। अब आते ही आप फ्रेशर है अभी? आप नहीं सर, आप नहीं, अब मेहनत कर रही है। देखिए जितने स्टूडेंट अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको, मेहनत कर रही है। तो बहुत टफ लगा क्या यहाँ पे? नहीं सर, प्रैक्टिकल तो सारी चीजें मिली सर। यहाँ पर जिस तरीके समझा रहे हैं सर, कुछ भी टफ नहीं है। टफ नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, उनका नाम और कहाँ से हैं आप? तौसीफ, महाराष्ट्र से। तौसीफ महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से आप है तो आप बताइए, पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे या नहीं करते थे? तो क्या करते थे? हार्डवेयर पे काम करते थे? हार्डवेयर पे काम करते थे और जितना सॉफ्टवेयर से पार्टी होता था उतना करते थे। अच्छा, बेसिक का करते थे, एफआरपी हटाना। तो अब कैसा लग रहा है पहले के तौफीक में, अब के तौफीक में क्या डिफरेंट? डंडे घाटेंगे। मतलब हम मेहनत कर रही है सर, क्योंकि जो भी इंटरफेस बताया गया विद प्रैक्टिकल बताया गया कि नॉर्मल प्रैक्टिकल बताया गया। तो जो महाराष्ट्र से देख रहा है उसको अगर फुल कंप्लीट कोर्स करना है तो क्या बोलना चाहेंगे? उसने तो सीधा एशिया डिलीवर, क्योंकि अभी केवल अभी मेन अभी बचा है एमएमसी, मिलन सर अभी मिलेंगे आपसे। और अभी आपका जो हार्डवेयर कम्प्लीट हुआ, सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हुआ, तो कैसा लग रहा है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने सीखा कि नहीं सीखा? बहुत अच्छा लग रहा है। देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? और सॉफ्टवेयर पढ़ाने का तरीका? तरीका तो अलग ही सर, अलग ही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और मौसिम। मौसिम, आप भी महाराष्ट्र से साथ में आए? अच्छा, साथ में आए। तो साथ में जब आप आए तो पहले से आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? हार्डवेयर करते थे। अगर आपको किसी चीज की अथॉरिटी दे दी जाए या किसी चीज का, घबराएंगे तो नहीं? नहीं, लाइव अगर कराए जाते तो कर लेंगे, कर लेंगे। लगता था सर बहुत हार्ड है सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको इस तरह की बताया गया बहुत इजी सर, अब सॉफ्टवेयर कुछ भी हार्ड नहीं। जो एरर्स आते थे ड्राइवर में या फाइलों का, टूलों का, सारा नॉलेज बताएगा कि नहीं बताएगा? जो प्रॉब्लम आती वो भी, और किस तरह से उसको सॉल्व कर रहे हैं वो भी पता। तो यहाँ के टीचरों का कैसा नॉलेज है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत उम्दा है सर। समझाने का तरीका कैसा है? बहुत इजी तरीके समझाते हैं। अगर ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आए तो उसको स्किप कर दिया जाता है? कितनी भी बार होता है आप हमारे रिटर्न बताते हैं सर, रिटर्न बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं सर, रिपीट कराते रहते हैं, अपनी बैठा के कराते हैं, बैठा के कराते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? अच्छा, चलिए आप ये बताइए, आप पहले से सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं सर। बिल्कुल फ्रेशर है, तो आपने अभी तक जितने भी स्टूडेंट देखा सारे फ्रेशर है, तो अभी भी फ्रेशर स्टूडेंट फ्रेशर है क्या? फ्रेशर है अभी भी? नहीं। चलिए आप इनके चेहरे से, स्माइल से ही देख सकते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं ऑलवेज, हर एक वीडियो में आप देख रहे हैं, हार्डवेयर में भी देखा है इनको, सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, आगे चल के भी ब्लैक पेस्टेड और इनका भी कंसेप्ट बचा हुआ एमएमसी का। तो ओवरऑल कैसा रहा आपका 4 दिन का सफर? बहुत बढ़िया का मींस क्या बोल सकते हैं? अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी फोन वापस जाएगा क्या? जाएगा ना, चाहे वो अनलॉकिंग चाहे वो फ्लैशिंग। चलिए अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम नेहा, उड़ीसा से। आप उड़ीसा से, आपने एशिया टेलीकॉम जब ज्वाइन किया था तो आपने सोचा था हार्डवेयर कैसा होगा, सॉफ्टवेयर कैसा होगा, एमएमसी कैसा होगा, तो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो गया, तो कैसा लग रहा है नेहा? बहुत बहुत है। और आपका जो सॉफ्टवेयर का जो 5 स्टेप का जो ठीक है वो तो बेस्ट है, किसी भी मोबाइल आए तो उसका 5 स्टेप में हम उसका सॉफ्टवेयर या अनलॉक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अनलॉक कर सकते हैं, जॉब डन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है 5 स्टेप की नहीं है? जी जी सर, 5 स्टेप से और ज्यादा तो कुछ भी नहीं। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया, मैं पहले काम करता था, बहुत सेटेड होता था। अच्छा, पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे, कितने सालों से करते थे? चलिए एक हमारे पास स्टूडेंट मिले जो कि फ्रेशर नहीं है, कितने सालों से कर रहे थे? मैं 3 साल से कर रहा था, फाइल का नॉलेज भी ठीक से नहीं था, इसलिए बहुत से डेढ़। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 साल का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे 3 साल का और आज का एक्सपीरियंस आसमान और जमीन का फर्क है। तो आप जो भी फोन आएगा उसको सही वे में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई फोन डेड तो नहीं करेंगे? यहाँ पे जो फोन हमने डेड भी किया था कि नहीं किया था? चालू फोन डेड किया था, उसको ऑन किसने किया था? स्टूडेंट ने किया था कि मैंने किया था? ये लाइव देखा था आपने? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मैं सुशांत, उड़ीसा से। आप उड़ीसा से साथ में आए? जी। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप हमें ये बताइए पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? करता था थोड़ा बहुत। कितने सालों से कर रहे थे? 7 साल। 7 साल से, तो थोड़ा बहुत नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उसका जो फंडामेंटल है वो मालूम नहीं था। फंडामेंटल मालूम नहीं है, तो चलिए 7 साल में कहाँ पे आप फंस रहे थे? फाइल डाउनलोडिंग में, और जो आपने 5 स्टेप बताए उसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ।
बहुत मिस कर रहे थे। कभी कुछ भी आया, फोन आया, कभी क्या कर रहे, कब सपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई भी क्लियर नहीं था। अब बताइए क्या? अभी सर मैं, मेरे पास एक मोबाइल है तो मैं पहले 5 स्टेप करूंगा, उसके बाद वो 5 स्टेप में तो हो जाएगा, 5 स्टेप जॉब डन हो जाएगा। अब वो 7 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 दिन का एक्सपीरियंस हो, बहुत हो जाएगा। अगर ये 7 साल पहले आप सीख जाते तो कहाँ पे? अभी तो मैं आसमान छू रहा हूँ। आसमान छू रहा है। तो ओवरऑल आप छोटा सा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आप 7 साल से काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे जितने फ्रेशर स्टूडेंट आपने देखा, तो उनको समझाने का तरीका सही है कि वो समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? जी सर, आराम से। फ्रेशर है तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जो 7 साल 8 साल काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इजी मिलेगा, और जो वो जो ट्रिक्स मिस कर रहे थे, जी जी जी, यहाँ आके पा जाएंगे। तो आपने वो मिला, कुछ नया मिला? जी सर, आपका ट्रिक तो 2 सेकंड का वाला है, 2 सेकंड, 2 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपका कमेंट भी आएगा, क्योंकि नीचे कमेंट भी आ सकता है कि नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है, फेक है। मैं तो बोलता हूँ जो एफआर भी आज ने 1 सेकंड में जो हो गया, तो मैं बोलता हूँ वो मैजिक एफआर भी था, मैजिक था। और कुछ भी एक मैजिक देखा सैमसंग में? जी वो भी कुछ नया मिला। जी सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बैठते जाइए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? अंकित राजस्थान से। तो चलिए, आप पहले काम करते थे या फ्रेशर थे? बिल्कुल। अब वही सवाल, अब भी फ्रेशर है? नहीं नहीं है। तो ओवरऑल कैसा रहा सॉफ्टवेयर का सफर आपका? बहुत बढ़िया रहा, सीखने को मिला यहाँ पे, जो आपने सोचा था वो सीखने को मिला। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? राजकुमार राजस्थान से। तो आप हमें ये बताइए राजकुमार जी, कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर नहीं करता, हार्डवेयर करते थे केवल। सॉफ्टवेयर लगता था टफ है? बिल्कुल लगता था। अब कैसा लगता है बताइए? आज से तो बिल्कुल इजी लगने लगा, इजी लग रहा है। कुछ नई ट्रिक्स, और यहाँ पे जो इनका 7 साल का एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने सुना, तो वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे, तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा था कि बेसिक क्या हमारे फ्रेशर स्टूडेंट सीख सकते हैं क्या? आपको जो राजस्थान से देख रहा है, अगर वो सॉफ्टवेयर करना चाहता है, बिल्कुल तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? 4 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा, जो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। प्रैक्टिकल बताते हैं यहाँ पे कि क्यों बता करके? प्रैक्टिकल बताते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल से हैं आप। तो हमें यहाँ पे एक बात बताइए कि आप यहाँ पे पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे कि बिल्कुल ही नहीं करते? कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर का काम? तो अब सॉफ्टवेयर करना है, मार्केट का काम उठाना है कि नहीं उठाना है? बिल्कुल उठाना है। डर तो नहीं लगेगा? डेड हो जाएगा। अच्छा, डेड हो जाएगा तो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि हम फ्लैश कर रहे हैं, डर रहा है, क्योंकि सबसे बेरी चीज होती है फाइलों का नॉलेज, फाइलों का डिटेलिंग मिलेगी नहीं यहाँ पे। अगर हम बैंड्री की बात करें तो बैंड्री कितने मिनट में आप फाइंड आउट कर लो? सेकंड में फाइंड आउट कर पाओगे? सैमसंग का कोई भी फोन डेड होगा? नहीं होगा सर। तो ओवरऑल कैसा रहा आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? गौरव, पंजाब से। अच्छा, पंजाब से यहाँ। तो चलिए आपसे भी एक ही सवाल कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर? मैं हार्डवेयर में करता था, सॉफ्टवेयर नहीं करता था, पर जब से जहाँ 4 दिन से पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रही है कि बात अभी लग रहा है। सॉफ्टवेयर का काम कहीं आप मार्केट में देते होंगे, बाहर देते होंगे? मार्केट में करवाते थे। अब बाहर का काम आएगा आपके पास? आएगा, जरूर आएगा सर, बिल्कुल आएगा। बाकी आप बोलते हो ना, अभी बड़ी सी बात है, क्लू मिलना चाहिए। अभी क्लू मिला है तो आंखें खुल गई है, आगे सकता है 300 के 300 की खुल गई है। तो मैं कोशिश करूंगा, बहुत बढ़िया रहा सफर, और 4 दिन में लगा कुछ कर लेंगे। तो ओवरऑल आपका सफर कैसा रहा सॉफ्टवेयर? बहुत बढ़िया सर, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके दिए हुए ट्रिक और अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, वो उसको मैं 100% करके ये क्लियर करके दूंगा। थैंक यू, इनके लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। इधर बैठते भी जाएगी जिसका होता है। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? रुस्तम जी, लगता है सीखने को नहीं मिला, थोड़ा तेज बोलिए। जी, तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे कि जो आपको स्टूडेंट देख रहा है, वो फ्रेशर है या टेक्नीशियंस है, आप अच्छा काम करते थे पहले? जी सर, सॉफ्टवेयर तो 4 साल से बेसिकली किया करते थे, लेकिन 4 साल से ये कहना कि सॉफ्टवेयर कर लेते थे ये गलत है, क्योंकि हम खेल रहे थे साथ। जी जी, फाइलों का सिलेक्शन और बहुत तरह का दिक्कत आता था, जिसमें एक एक दो दो दिन लग जाता था, तो सॉफ्टवेयर करना नहीं झेलना कहा जाएगा, ये तो अभी सर बहुत रिलीफ मिल रहा है की वो सारे ठीक मिले, जिससे फाइल सिलेक्शन और टाइम कम समय से, बल्कि सेकेंड का कितना टाइम लगेगा सर? सेकंड का काम है, जो कि मैंने लाइव भी दिखाया था, कितने सेकंड में होनर के बाद दी थी? 1 सेकंड, 41 सेकंड, कितने सेकंड में? तो ये लाइव प्रूफ मिला था कि ऐसे ही लाइव
देखिए ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए फ्रेशर स्टूडेंट है तो उनको क्या सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल सर, इतना सिंपल वे में बताने का जो सर आपका तरीका है और आपने जो अभी तक कर दिया है, ऐसा लगा कि मतलब एक फ्रेशर क्या कोई भी इसको बहुत इजीली कंज्यूम कर सकता है। ओवरऑल आपका कुछ, आपको चार साल में कुछ नया मिला यहाँ पे? बहुत टोटली नया, और जो एक सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो इसी भी देखने का नजरिया चेंज हुआ। इवन हम ये भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को इतना हार्ड जो समझ रहे थे और जो पहले झेल रहे थे, अब लगा कि नहीं झेल जो रहे थे वो मेरा मिस्टेक था, शायद पहले ज्वाइन करना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम इसामुद्दीन, मैं गोरखपुर से हूँ। तो आप पहले काम करते थे या बिल्कुल फ्रेशर है? बिल्कुल फ्रेशर है सर। बिल्कुल फ्रेशर है, आप बताइए फ्रेशर है अभी आप? नो सर नहीं है। आपने चलाया था माउस? हाँ सर चलाया था। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे जितने ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं तो क्या सब फेक दे रहे हैं क्या? नहीं सर कुछ। अच्छा सबसे रिव्यू लेना, अगर मान लीजिए रिव्यू अगर हम लेते तो केवल एक दो रिव्यू ले सकते हैं ना? ऐसा यहाँ पे जो रिव्यू मिल रहा है तो ओवरऑल सब फेक है क्या? जेन्युइन है? सब दिल से रिव्यू दे रहे हैं? तो आपका ओवरऑल कैसा सफर रहा? अब आप बहुत अच्छा रहा, अब आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। मोबाइल का सॉफ्टवेयर एक सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ चीजें वो पॉसिबल है जो आप बताए हमें। जी जी, तो ओवरऑल आपका कैसा रहा सफर, अगर आप पर्सनल आपकी बात करें? सर मेरा तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा, चार दिन में जितने आसानी से मैं सीख गया सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम कहाँ से है? बिहार से। दलक्ष कुमार, बिहार से। अच्छा ये आप ये बताइए, आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? जी सर। कितने सालों से कर रहे थे? दो ढाई साल। बस आपसे दो ही सवाल, क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं, बस दो सवाल। वो ढाई साल का सफर और ये चार दिन का सफर बताइए, कुछ नया मिला आपको? जी सर। चलिए चलिए जोरदार ताली हो जाए। मैं मानता हूँ कि सारे फ्रेशर को, अच्छा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, देखिए आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर कहेंगे, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है क्या वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? बस जरूर सीख पाएंगे। सीख पाएंगे जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। आ जाइए सर थोड़ा इधर। जी सर। मेरा नाम नितेश कुमार है और सर मैं यूपी से। आप यूपी से हैं, तो आप बताइए फ्रेशर थे या पहले से काम करते थे? सर मैं पहले से काम करता हूं। कितने सालों से कर रहे थे? चार पांच साल से काम कर रहे थे। तो बस आपसे छोटा सा सवाल, ये पांच साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए। धरती आसमान का अंतर, मतलब आप ये बताइए कहाँ पे आप फंस रहे हैं? फाइलों की मैचिंग होती है उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। फाइलों की ज्ञान नहीं था तो उसमें गलत फाइल सेलेक्ट कर लेते थे और उसे जब उसमें डाल देते तो सेट डेड हो जाता है, डेड हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती थी। तो अभी आपको सैमसंग की बात करें, अगर यहाँ पे बाईपास की बात करें, ओवरऑल अगर हम ऑनर की बात करें तो अभी सभी की कर लेंगे। जी सर लाइव प्रैक्टिकल देखा है यहाँ पे? जी सर लाइव प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे, जो पहले से मान लीजिए पांच साल से काम कर रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? जी सर बिल्कुल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, जो पहले से काम कर रहे हैं, जो फ्रेशर है सभी के लिए, क्योंकि अपडेट होना, अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ जो ट्रिक जो वो दिया जाता है वो बहुत शॉर्ट, और मतलब टीचरों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो हार्डवेयर का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे आगे चल के भी आपको एमएमसी भी मिलने वाला है जो भी एक नेक्स्ट लेवल का। चलिए थैंक यू सो मच। आइए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? मैं यूपी से। चलिए सबसे पहले आपसे एक ही सवाल कि आप पहले से फ्रेशर थे या पहले से काम कर रहे हैं? सर मैं पहले तीन साल से काम कर रहा हूँ। तीन साल से जी। तो चलिए आप बताइए ये तीन साल का सफर और ये चार दिन का सफर। सर बहुत डिफरेंस है, मैं कुछ चीजें था जो फंस जाता था, मैं अपने मार्केट में सबसे बेस्ट ऑर्डर, मैं ऐसा नहीं लेकिन वो लोग मेरे पास लाते थे कराने के लिए, लेकिन मैं फंस जाता था, फाइलों में फंस जाता था या शॉर्टकट नहीं पता था। यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सी चीजें जो मैं फंस रहा था, यूएमटी जो कि केवल कुछ नॉर्मल यूज करते हैं, सारा टाइम जाना है अभी यूएमटी यूज करना, यूएमटी में भी कितने हाईलाइट चीजें हैं, ये सारा प्रैक्टिकल मिला आपको? हाँ सर, जैसे फाइलों में एरियर आ जाता था, फ्लैशिंग में एरियर आ जाता है, एफआरपी में भी बहुत फंस जाना पड़ता था, शॉर्ट तरीका यहाँ पे मिला सर। तो ये सब लाइव प्रैक्टिकल मिला? जी सर, फाइव स्टेप मिला, ये मिला, और जो आपने बताया आपको कुछ नया मिला, बहुत ज्यादा सर नया। तो जैसे आप पांच साल का एक्सपीरियंस है तो आप तो झूठ नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, एफआरपी पॉसिबल है? जी सर यहाँ पे पॉसिबल है, ट्रिक के बाद में पॉसिबल है। तो ये लाइव आपने देखा है? जी सर देख। क्या बोलना चाहेंगे ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं, जो पांच साल से काम कर रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं मुझे भी पता है, मैं भी करता था, फंस फंस के झेल के करते थे, वो यहाँ आने के बाद सॉल्व। तो अभी आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी? एकदम मक्खन मक्खन हो जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच। आ जाइए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? अशोक जी, आप हमें ये बताइए पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे या नहीं? बिल्कुल फ्रेशर थे आप, अब फ्रेशर है? नहीं। अगर आपको अनलॉकिंग या फ्लैशिंग दे दी जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका पांच साल का एक्सपीरियंस, इनका चार साल का एक्सपीरियंस,
तो ऐसा तो नहीं कि इनको अलग पढ़ाया गया, आपको अलग पढ़ाया? नहीं, सबको साथ में पढ़ाया, सबको साथ में पढ़ाया गया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या है चार दिन? नहीं, अच्छा था। अच्छा है, बाकी काम भी कर लेंगे। बाकी अब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आइए इधर आ जाइए। चलिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, और अपना नाम और कहाँ से? विष्णु जानते हैं। विष्णु जी, आप बताइए, पहले से आप काम करते थे या नहीं करते थे? बहुत दिनों से काम कर रहा था सर। कितने सालों से? 7-8 साल। 7-8 साल का एक्सपीरियंस। देखिए, 7-8 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस है करीब। जबरदस्त, मतलब क्या? बहुत बढ़िया। मैंने बहुत ऐसा जगह था जहाँ पर हम लोगों को तो पता ही नहीं था स्टूल का काम क्या है। जी, फूल तो पड़े रहते हैं लेकिन उसका फूल का काम ही नहीं पता था क्या काम। डर लगता था ये टाइप यूज करेंगे तो कहीं ये ना हो जाए, डेड ना हो जाए, या तो फिर हैंग लोगों पे ना आ जाए। तो यहाँ पे कोई भी फोन अनलॉकिंग में डेड हुआ क्या? कहीं लाइव प्रैक्टिकल मिला? अगर डेड भी हुआ तो वो तुरंत ऑन भी किया गया। तो ऐसा तो नहीं कोई मतलब अब डाउनग्रेडेड फोन में आपको दिखाया सारा सॉफ्टवेयर? सब अपडेट फोन थे यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि केवल जो भी नॉर्मल फोन हो उसमें दिखाई गया सारा नया फोन। 6A में फ्लैशिंग दिखाई गई। 6A हो गया आपका, M20 वाला जो ब्रिक था वो भी जबरदस्त था। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे? जिनके पास टूल पड़े हुए हैं और जिनको नॉलेज नहीं है उनको यहाँ जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। आपका 8 साल का एक्सपीरियंस, बिना गुरु ज्ञान नहीं, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस और यही आप 2-3 साल पहले ज्वाइन कर लेते तो अभी तो बोलना नहीं होता कि क्या होता है। तो ओवरऑल आप इनकी हंसी से देख सकते हो, आपको कुछ नया मिला? बहुत नया मिला। आप ऐसा तो नहीं झूठ या फेक? वो जो टूल पड़े हुए थे ना डेस्कटॉप पे, वो सारे काम आने वाले हैं, सारे काम आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम सर यशपाल, पंजाब का। पंजाब से। तो चलिए आपसे भी वही सवाल कि आप पहले काम करते थे या फ्रेशर थे? मेरे को 10 साल हो गए काम। अच्छा, चलिए यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 5 साल और वहाँ पे। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे एक लाइन से? अरे नहीं, 4 साल 5 साल नहीं, ये कुछ फेक रिव्यू। अच्छा, आप यहाँ पे सीनियर भी है तो आप एक बात बताइए, जो भी रिव्यू चल रहा है वो फेक है कि या फिर जेन्युइन है? नहीं, फेक कुछ नहीं है, सब जेन्युइन है। कोई भी बंदा, कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे सारे स्टूडेंट का रिव्यू ले सकता है? ले सकता है। तो वो कब करेगा, आउटपुट देगा? किसी का तो नहीं पता, यहाँ पे ले सकते हैं, एसे टेलीकॉम पे ले सकते हैं। तो चलिए आप बताइए, आपका 10 साल का सफर या 4 दिन का सफर? हाँ, वो 10 साल का सफर था, वो सर स्ट्रगलर बहुत। जी जी, स्ट्रगल किया था। अगर वो 10 साल पहले मान लीजिए सब कुछ, ये 4 दिन का लीव मिल जाता तो शायद अभी और भी प्रो हो जाते। तो ओवरऑल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट थे तो उनको एक सही गाइडलाइन में सिखाया गया कि टफ लाइफ टफ में सिखाया गया? नहीं सर, गाइडलाइन जो थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फ्रेशर थे ना, जी जी, वो ऐसा है कि अभी वो 10 साल हमारे बराबर हैं, बिल्कुल, जो हमें पता है। अच्छा, वो उनको बता दिया गया। जी जी, मतलब एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। आप सुन सकते हैं, फ्रेशर लोगों के लिए इन्होंने ये बोला है कि जो 10 साल में हम काम कर रहे थे वो आपको 4 दिन में मिलेगा, ये आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल राइट है ये। चलिए, जोरदार ताली के लिए। चलिए, तो अपना नाम और आप कहाँ से? मैं बैंगलोर से। मेरा नाम है। अच्छा, बैंगलोर से। तो बैंगलोर में भी कॉलेज काफी सारे इंस्टीट्यूट है, चलिए वो तो अलग बात है। तो आप हमें एक बात बताइए कि यहाँ पे आप कितने सालों से काम कर रहे थे? बिल्कुल फ्रेशर थे सर, 4-5 साल। 4-5 साल से आप भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, तो क्या काम कर रहे थे और कहाँ से फंस रहे थे? सर, ये आप जो ट्रिक जो बताई फाइल्स का सबमिट, ये बहुत अच्छी ट्रिक थी, बहुत अच्छी, इसमें बहुत फंस रहे थे। जी जी, और ये FRP वाला ट्रिक जो बताया बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको कुछ नया मिला कि नहीं? नहीं सर, बहुत कुछ नया मिला, बहुत कुछ नया मिला। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं सर, सब ट्रिक चाहिए और फाइल पर्टिकुलर फाइल चाहिए तो इंस्टीट्यूट। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सर कृष्णा, वेस्ट बंगाल से। तो मैं कृष्णा को बोलना चाहूंगा कि इन्होंने स्विच करके, जैसा कि आपने हार्डवेयर का वीडियो इनको देखा होगा कि ये किसी अलग लाइन से, किस लाइन से थे आप पहले? कपड़े की दुकान से स्विच करके मोबाइल फील्ड में आए, क्योंकि देखिए ये एकदम फ्रेशर थे। तो अगर आप, मैं कहूं कि आपको सॉफ्टवेयर का बेसिक जो था सारा कंसेप्ट, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि 10 साल का एक्सपीरियंस आपको 4 दिन में मिल गया, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में, अभी आप कर लेंगे? हाँ, आप लोग का फ्लैशिंग हो, कैसे करना है, लॉक करना है, पूरा मालूम है, कर लेंगे। जो कुछ नहीं आया तो नोट में लिखा है, नोट में लिखा है। अभी हम लास्ट में एक, मैंने शॉर्टकट दवाई दे दी है कि नहीं दे दी है? चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्ते। चलिए आइए, हमारे साथ स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? सत्यम, मैं यूपी से हूँ। अच्छा सत्यम जी, आप हमें ये बताइए, आप फ्रेशर थे या पहले काम करते थे? सर फ्रेशर थे। बिल्कुल फ्रेशर थे, अभी भी है? नहीं सर, अब नहीं। अब नहीं है? तो यहाँ पे जो भी काम सिखाया गया आपको समझ में आई, प्रैक्टिकल समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्यों इस सर ज्वाइन करें? सर वो आ जाए, यहाँ पे जो टेक्निक है सिखाने एकदम बेस्ट है। जी जी, आप सीखे? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए,
हमारे साथ स्टूडेंट और अपना नाम और कहाँ से? मैं इंद्र शर्मा आ रहा हूँ। इंद्र, आप हमें ये बताइए कि आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे या नहीं करते? थोड़ा बहुत जानता था। कितने सालों से कर रहे थे? 3 साल। 3 साल का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत कुछ सर, आपने जो पढ़ा है उसमें जो बाईपास बताया, जो आपको कुछ नया मिला? आपको जो देख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें सॉफ्टवेयर होटल में? जो कोई भी सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है उसे पूरा नॉलेज दिए बगैर करना नहीं है, तो नॉलेज लेना है तो इसके टेलीकॉम ज्वाइन करना। चलिए, थैंक यू सो मच। अरे तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से है? आसाम से। तो आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सर सॉफ्टवेयर में नहीं करता था, हार्डवेयर ही करते थे। अब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर कर पाएंगे। कैसा लग रहा है अभी? अभी सर बहुत बढ़िया लग रहा है। स्माइल सिर्फ के देख सकते हैं। अगर देखिए जो आउटपुट निकलता है वो आपके चेहरे के ग्लो से ही पता चल जाता है। तो बेसिकली काम आपने सीखा कि नहीं सीखा? सीख लिया सर। सीख लिया, अभी आप कर पाएंगे? हाँ सर। चलिए, आप कहीं भी फंसेंगे तो मेरा एक वादा है, हमेशा आपके साथ कंटिन्यू। यहाँ पे 2:30 रात, अगर आपने 2 बजे रात को मैसेज किया तो 2:30 बजे आपको उसका सोल्यूशन मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? रोहित, महाराष्ट्र से। चलिए, एक सवाल, आप लास्ट, आप पहले से काम करते थे या नहीं करते? कितने सालों से कर रहे? 2 साल से कर रहे थे। तो 2 साल में कहाँ फंस रहे थे आप? सर टूल्स और ड्राइवर्स में फंस रहे थे। टूल और ड्राइवर्स फंस रहे थे। एमटीके का जो ड्राइवर एरर था कितने समय में हमने फाइंड आउट कर लिया बताइए? एक मिनट फाइंड आउट कर लिया। वो एरर आप फाइंड आउट कर लेंगे अभी? कभी भी विंडो का प्रॉब्लम आएगा तो उसे कर लेंगे अभी? हाँ सर, बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आपको कोई देख रहा है वहाँ पे तो क्या बोलना चाहेंगे? फ्रेशर स्टूडेंट या कोई 10 साल 5 साल से कर रहे हैं काम, या उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यहाँ पे सर एंडलेस काम होता है सर, जो आप कर रहे हैं काम जी, वो पूरा जीरो नॉलेज का है। उनके पास टूल तो है सर, लेकिन टूल का नॉलेज नहीं है उनके पास। जी। अभी ओवरऑल आपका सफर कैसा रहा? बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया। बेहतरीन रहा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, एक साथ सभी लोग बैठ जाइए फटाक से। लास्ट चलिए वो दिखाइए नोट्स सभी लोग। बैठ के बैठ जाइए आ जाइए, बैठिए फटाक से वो नोट्स उसको कट करके लास्ट